तो जैसे कि मैंने आपको अपना लास्ट व्लॉग दिया था जामा मस्जिद का, आज का व्लॉग है मीना बाजार का, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 से निकल के ही पूरा मीना बाजार लोकेटेड है। गाइस ये बहुत बड़ा बाजार है, दिल्ली के फेमस मार्केट्स में से एक मार्केट है। मुगल एरा में ये उस टाइम का रॉयल बाजार हुआ करता था। अब तो यहाँ पर हर चीज नॉर्मल रेट पर अवेलेबल है, बट मुगल एरा में ये रॉयल बाजार था, इसलिए यहाँ हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, जिसे पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए यहाँ पर पब्लिक को एंट्री लेने की भी परमिशन नहीं होती थी। मीना बाज़ार का नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे किसी लेडी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज मीना इज़ अ लेडी नेम, इट डजेंट मीन कि इसका नाम ही मीना किसी लेडी के नाम पर रखा गया, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मीना एक लेडी का नाम था जिसके नाम पर इस बाज़ार का नाम रखा गया। बिकॉज मीना इज़ रिलेट टू लेडीज़, और ये बाज़ार उस टाइम पे रॉयल बाज़ार था, तो उस टाइम की रानियाँ महारानियाँ ही इस बाज़ार को ऑर्गेनाइज़ किया करती थी, उन्हीं के इस बाज़ार में स्टॉल्स लगा करते थे, और उस टाइम पे इस बाज़ार को खुसरुस कहा जाता था, और बाद में आकर इसका नाम मीना बाज़ार पड़ा। काफ़ी यहाँ पे रश होता है डेली ही, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इसका एक व्यू ऊपर से दिखाया था कि कितना ज़्यादा रश था। कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता और यहाँ का कि इस दिन ज़्यादा यहाँ पे रश होगा, यहाँ हर रोज़ ही इतना रश होता है। फॉरेन कंट्रीज से जो लोग यहाँ पे आते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो यहाँ पे सामान खरीदते हैं। काफ़ी पतली पतली गलियों में यहाँ पर दुकानें थी, आप देख सकते हो। ये एक अबाया की शॉप थी, अबाया या बुरका से हम बोलते हैं नॉर्मली, उसकी शॉप थी। मीना बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है गाइस, यहाँ आपके डेली यूज़ से लेकर ओकेजनल यूज़ तक सब चीज़ यहाँ पर आप आके परचेज कर सकते हो। ये दुकान थी चिकन बिरयानी और हलीम की। गाइस यहाँ पे सारे खाने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं यहाँ की शॉप्स खाने की जो होती हैं, ओवरऑल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं सारी ही शॉप्स। एंड इट वाज अ रेनी डे गाइस, और रेन के बाद भी यहाँ पर लोग कम नहीं हुए थे, इतना ही रश यहाँ पर था, आप देख सकते हो। ये जो शॉप है ये थी ज्वेलरी की शॉप, और यहाँ पे सेल लगी हुई थी, यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। वैसे तो मुगल एम्पायर हुमायूं ने ही मीना बाजार को ऑर्गेनाइज किया था, बट मुगल एम्पायर शाहजहां ने इसको एलेबोरेट करने में सबसे ज़्यादा सक्सीड रहे। वो जामा मस्जिद के कई सारे डिशेज जो हैं यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जैसे कि ये कुल्लड़ की खीर ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत फेमस है, इसको कुल्लड़ की खीर शाही खीर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से इन लोगों ने कुल्लड़ों में कर करके उसे यहाँ पे रखा हुआ है पैक करके। अब हम सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं, जो मीना बाजार की सीढ़ियाँ हैं उनसे ऊपर आ चुके हैं, ऊपर वाली सीढ़ियों पे। ये देखिए गाइस कितना यहाँ पे रश था इस वक्त भी, रेन के बाद भी। अगर आप लोगों को किसी ओकेजन के लिए शॉपिंग करनी है, वेडिंग के लिए, किसी फंक्शन के लिए या किसी फेस्टिवल के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर मीना बाज़ार आएँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे सामान ले सकते हैं, और यहाँ का क्वालिटी ग्रेड भी काफ़ी अच्छा है। ये है मीना बाज़ार की और जामा मस्जिद की मोस्ट फेमस दुकान बिरयानी की और हलीम की। ये अंकल यहाँ पे काफ़ी सालों से अपनी शॉप लगाते हुए आ रहे हैं गाइस, काफ़ी टेस्टी इनकी जो होती है बिरयानी और हलीम होती है। ये इसी तरीके से सीढ़ियों पे ऊपर वाली स्टेज पे इसी तरीके से काफ़ी सालों से अपनी दुकान लगाते हुए आ रहे हैं। और इसी साइड ये भी इन्हीं की शॉप है, टिक्के और कबाब मिल रहे थे।
ये काफी बड़ी शॉप थी मीना बाजार में। ये इत्र के लिए और टोपी, जानमाज, तस्बी यहाँ पे अवेलेबल थी। अब हम मीना बाजार की दूसरी वाली साइड पर, अब हम स्टेज से ऊपर आ चुके हैं। जामा मस्जिद की स्टेज आप देख सकते हो, जामा मस्जिद का बोर्ड भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का। यहाँ पर मिल रहे थे सिल्वर के बर्तन। छोटे से लेके बड़े यहाँ पे हर बर्तन थे। छोटे छोटे बर्तन यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटे छोटे भगोनों के सेट यहाँ पर थे, कितने अच्छे लग रहे थे। छोटे छोटे से ज्वेलरी की शॉप यहाँ पे कई ज़्यादा थी, बैंगल्स की शॉप, एक्चुअली बैंगल्स की शॉप। काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स के इस शॉप पे बैंगल्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो शॉप थी यहाँ पर काफ़ी मशीन्स मिली थी, ये जूस निकालने की मशीन्स और कीमा निकालने की मशीन, छोटी छोटी मशीनें, उनकी मशीन, छोटे साइज़ की मशीन, बड़े साइज़ की मशीन, सब्ज़ी काटने की मशीन, इस तरीके की मशीन यहाँ पे मिल रही थी। मीना बाज़ार जब मुग़ल एरा में यहाँ पे लगा करता था, जब ये वहाँ उस टाइम का रॉयल बाज़ार था, तो यहाँ पर रानी महारानियाँ और जो राजपूत लेडीज़ होती थी वो यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाया करती थी। तो क्योंकि वो लोग यहाँ पे स्टॉल्स लगाते, तो यहाँ पर पब्लिक को एंट्री की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ कुछ राजा होते थे या प्रिंस होते थे, वही लोग यहाँ पर आते थे शॉपिंग के लिए। और जो भी चीज़ वो यहाँ पर परचेज़ करते थे, उसके बाद जो फंड आता था, पूरे बाजार का टोटल फंड यहाँ पे से चैरिटी फंड में जा जाता था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस या किसी चैरिटी फंड में ही जाता था। मुगल एरा में इस बाजार का नाम खुसरुस था, क्योंकि ये सिर्फ न्यू ईयर के टाइम पे लगा करता था, और वो भी 8 से 10 दिन तक ये लगता था। पूरे साल में सिर्फ 8 से 10 दिन तक न्यू ईयर के टाइम पे ये बाजार लगा करता था। उस टाइम पे जितना भी फंड आता था, जो भी चीज़ें राजा आके यहाँ पे खरीदते थे, वो इतना फंड हो जाता था कि वो चैरिटी में देने के लिए ही ये बाजार लगता था। जब शाहजहाँ ने मीना बाज़ार को ज़्यादा एलेबोरेट करा, तब उनकी इंस्पिरेशन पाकिस्तान से रही। पाकिस्तान में भी जो एक मीना बाज़ार था, उनकी इंस्पिरेशन वो रही। पाकिस्तान में मीना बाज़ार कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगाया करते थे। वो लोग भी जो वहाँ का फंड होता था, जो वहाँ से फंड आता था, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे वो फंड इकट्ठा करते थे वो बच्चे। आज भी वहाँ पे इसी तरीके से मीना बाजार लगता है। ये एक होटल था जिसके तंदूर में नान रोटी और चपाती रोटी दोनों साथ सीख रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है मीना बाजार। तो अगर आप लोग मीना बाजार नहीं आए हैं या अब नहीं देखा है, तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ के खानों को ज़रूर टेस्ट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस माई एनी अपडेट। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू होम गाइज। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।